हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज मनोज बिगिन, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर एंड करियर कोच। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको सफलता चाहिए तो सफलता आपको कैसे मिलेगी। हर व्यक्ति को सफलता चाहिए, वो सफलता कैसे मिलेगी, ऐसे कौन से फंडामेंटल है, ऐसे कौन सी साइंस है जिसके माध्यम से हम सफलता ले सकते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं? यस, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो सक्सेस मंत्रा, वो सफलता का मंत्र जानने के लिए आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। अगर लास्ट तक नहीं देखेंगे तो हो सकता है शायद कुछ मिस कर दें। एंड आई गारंटी कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपने लाइफ में कोई गोल बना रखा है तो उसे कैसे अचीव कर सकते हैं, राइट? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर वाकई में आपने कोई टारगेट, आपने गोल सेट किया हुआ है तो उसे अचीव कैसे कर सकते हैं। देखिए, सफलता पाने के लिए दो बातें होती हैं। एक होती है कि मुझे सफलता पानी क्यों है और दूसरी होती है मुझे सफलता कैसे पानी है। एक सर्वे के माध्यम से जाना गया है कि दोनों में से कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, व्हाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ ज्यादा। सर्वे का जो रिजल्ट आया वो शॉकिंग था। ज्यादातर लोगों ने यह पूछा कि सर हम गवर्नमेंट जॉब कैसे ले सकते हैं, ज्यादातर लोगों ने पूछा हम सफलता कैसे ले सकते हैं, यानी वो सफलता चाहिए तो उसके लिए हमें कैसे क्या करना होगा, राइट? मुझे बताते हो आपको खुशी हो रही है कि जो सर्वे में जो ज्यादा मेजोरिटी में लोग वो थे जो ये जानना चाह रहे थे कि कैसे काम होगा, वो गलत थे। एक्चुअली सफलता पाने के लिए कैसे काम ही नहीं करता, सफलता पाने के लिए क्यों काम करता है। अगर आपका क्यों क्लियर है तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। फिर वो चाहे हम सरकारी नौकरी की बात करें, चाहे हम प्राइवेट सेक्टर में किसी अचीवमेंट की बात करें, या जो भी आपने अपनी लाइफ में गोल सेट किए हुए, वो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो चलिए हम जानते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि हमारी लाइफ में सफलता पाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वाई इंपॉर्टेंट है और हाउ इंपॉर्टेंट है, राइट? तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि ज्यादातर लोग हाउ पे फोकस करते हैं, राइट? एंड कुछ ही लोग होते हैं जो वाई पे फोकस करते हैं। फिर दोनों में से अचीव कौन कर पाते हैं? वो लोग अचीव कर पाते हैं जिनका वाई स्ट्रॉन्ग होता है। वो लोग अचीव कर पाते हैं होता है कि उन्हें काम क्यों करना है, उन्हें पता होता है कि उन्हें नौकरी क्यों लेनी है, उन्हें पता होता है, यानी उनका वाई पूरी तरह से क्लियर होता है। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हमारी लाइफ में सफलता पाने के लिए क्या बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वाई या हाउ। देखिए, आज कोरोना का टाइम चल रहा है। कोरोना के इस महामारी के समय में बहुत सारे प्रवासी मजदूर जो फंसे हुए हैं अलग अलग शहरों में, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए दिल्ली के अंदर कुछ प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, राइट? और बिहार के रहने वाले जब उन्हें पता चलता है कि कोरोना में सब कुछ बंद होने जा रहा है और उनके पास खाने के लिए भी साधन नहीं होगा, उनके पास रहने के लिए भी साधन नहीं होगा, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें वापस अपने घर जाना चाहिए, यानी बिहार जाना चाहिए, राइट? तो वो लोग क्या करते हैं, वो सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। जब दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ तो ट्रेन है सारी बंद कर दी गई है, यानी वापस जाने के लिए ट्रेन के माध्यम से नहीं जाया जा सकता, यानी वापस जाने के लिए ट्रेन जो माध्यम है वो खत्म हो चुका है, ट्रेन सारी बंद हो चुकी है। तो अब वो क्या करते हैं, वो वापस जल्दी से आते हैं और बस स्टॉप की तरफ आगे बढ़ते हैं। जब बस स्टैंड पे पहुंचते हैं तो वहां भी पता चलता है कि बसेस खत्म हो चुकी हैं, बसेस चलना बंद हो चुकी हैं, उनके पास अब कोई साधन नहीं है। यानी कि पहले वो कहां पहुंचे, रेलवे स्टेशन पहुंचे, ट्रेनें बंद थी तो कहां पहुंचे, बस स्टॉप पहुंचे, वहां बसें नहीं चल रही थी, तो उन्होंने कोशिश की कि किसी भी तरह से उन्हें कोई लिफ्ट दे दे, कोई ट्रक वाला, कोई बड़ी गाड़ी वाला उन्हें लिफ्ट दे दे, राइट? और जब उन्होंने देखा, बहुत मशक्कत करने के बाद, कुछ समय इंतजार करने के बाद, अब बसें भी नहीं चल रही हैं, ट्रेनें भी नहीं चल रही हैं, ट्रक भी नहीं चल रहे हैं, हमें कहीं किसी तरह से लिफ्ट नहीं मिल सकती है, तो फाइनली उन्होंने ये निश्चय किया कि हम पैदल जाएंगे। और दिल्ली से आगरा नहीं, दिल्ली से सीधा बिहार के लिए वो पैदल सफर पर निकल पड़े। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस कंडीशन में उनके लिए जरूरी क्या था, वो कैसे जाए ये ज्यादा जरूरी था, या वो क्यों जाए ये ज्यादा जरूरी था। तो एग्जांपल हमें सीधी सी सीख देता है कि उनके लिए उनका स्ट्रॉन्ग जो था वो क्यों था, कि उन्हें अपने घर क्यों पहुंचना है। अगर वो अपने घर नहीं पहुंचते तो हो सकता है उनके पास राशन खत्म हो रहा हो सकता है उनके पास रहने की कोई व्यवस्था ना हो सकता है कि वो वहां मर ही जाए, राइट? इसीलिए उनका क्यों बहुत स्ट्रॉन्ग था और वो क्यों उन्हें मजबूर कर रहा था बार बार इस बात के लिए कि बस नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं, ट्रेन नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं, लिफ्ट नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं, ट्रक नहीं मिली कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम पैदल जाएंगे। तो कैसे मैटर नहीं करता,
कैसे बिल्कुल भी लाइफ में मैटर नहीं करता, कैसे तो मात्र 5% मैटर करता है, लेकिन आपको सफल बनाने के लिए क्यों ज्यादा मैटर करता है। क्या आपका वाइट क्लियर है? यस डियर स्टूडेंट, मैं आपसी से बात कर रहा हूं। मैं आप ही से जानना चाहता हूं कि आपने अपनी लाइफ में जो भी टारगेट लिया हुआ है, क्या आपको वाइट क्लियर है? क्या आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों लेनी है? क्या आपको वाइट क्लियर है? आपको लाइफ में सफलता क्यों लेनी है? अगर आपको उपाय क्लियर नहीं है तो पहले वो उपाय ढूंढिए। जब तक आप वो उपाय नहीं ढूंढ पाएंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लाइफ में उपाय ढूंढिए। चलिए मैं कुछ मदद करता हूँ उपाय ढूंढने में। क्यों क्यों आप गवर्नमेंट जॉब लें? क्यों आप ही की गवर्नमेंट जॉब लगे? इतने सारे कैंडिडेट हैं जो हमेशा तैयारी करते हैं, लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब क्यों ना लगे, आप ही की क्यों लगे? राइट, तो मैं बताता हूँ। हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों की कमी हो सकता है कि आपके अपने पापा के सपनों को पूरा करना हो सकता है कि आप अपने घर में एक ही उम्मीद की किरण हो जो अपने परिवार की गरीबी को मिटा सकता है। हो सकता है कि आपको अपनी बहन की शादी करनी हो सकता है अपने आपके छोटे भाई बहनों को एजुकेशन देनी हो सकता है कि आपका जो घर है वो बहुत पुराना है, टूटा फूटा पड़ा है, उसे बनवा रहा हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी, आपका खेत आपके गिरवी रखा हो सकता है कि और भी कोई ऐसा इंसिडेंट रहा हो जब कभी किसी भारतीय व्यक्ति ने आपके पिताजी की बेइज्जती की हो, वो लाइफ की टीज। हो सकता है किसी रिश्तेदार ने आपका तिरस्कार किया हो सकता है लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जब आपको एक बार गुस्सा आया हो, रोंगटे खड़े हुए हो कि मैं तो करके दिखाऊंगा, मैं इस व्यक्ति को सबक सिखाऊंगा, मैं इस व्यक्ति को दिखा दूंगा कि मैं ये हूं। राइट, तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसा कारण जो आपको आज मजबूर कर रहा है इस बात के लिए कि आप सफल हो, इस बात के लिए। कैसे होंगे मैटर नहीं करता, मुझे इंग्लिश नहीं आती फॉर एग्जांपल, कैसे सीखूंगा मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे ये क्लियर है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए इंग्लिश पढ़नी ही पड़ेगी तो मैं डेफिनेटली कर पाऊंगा। जब मेरा वाई क्लियर है, मुझे करना क्यों है, मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी क्यों है, तो मैं डेफिनेटली कर पाऊंगा। कैसे मैटर नहीं करता, वो सब हो जाएगा। राइट, तो इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइफ में सफल होने के लिए क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे नहीं। जिस दिन आपको वो क्यों मिल जाएगा, डेफिनेटली आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यही बोलना चाहूंगा जाते जाते कि अपनी लाइफ में अपने टारगेट के पीछे वाई ढूंढिए। आपको गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहिए, वो कौन कौन से कारण है, वो ऐसी कौन सी वजह है जो आपको बार बार मजबूर करती है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती, गवर्नमेंट जॉब लेने से नहीं रोक सकती। सो मैं आशा करता हूं आपको ये क्लियर हो गया कि लाइफ में वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन हाउ। राइट, सो इसीलिए अपने वाई को ढूंढिए और लग जाइए आज से अभी से अपने टारगेट को अचीव करने में। मैं आपके साथ हूं। किसी और कंसल्टेंट के लिए मुझे जरूर कॉल कीजिए, कमेंट कीजिए इस वीडियो के लास्ट में, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगा।